हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एक्स सेवन क्रिएशंस पर। तो बहुत सारे बंदे मुझे ये कमेंट करते थे कि भाई आप कलर ग्रेडिंग कैसे करते हो, ट्यूटोरियल वीडियो लाओ। तो मैं बहुत दिन के बाद कलर ग्रेडिंग का वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल की एलर्टमेसन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, और ओपन करने के बाद एक सिंपली न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे इनपुट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और क्रिएट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्लस आइकन पे जाना होगा। और प्लस आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग जिस वीडियो का कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ पे सिंपली इनपुट कर लेना होगा। और इनपुट करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो में कहीं पे भी फिल्टर पहले से नहीं लगा हुआ है। तो इस वीडियो को हम लोग पहले कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले प्लस आइकन पे जाके यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेंगे, और रेक्टेंगल लेने के बाद इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर देंगे। और फुल स्क्रीन हमारा हो चुका है। अभी हम लोग इफेक्ट पे जाएंगे और एड इफेक्ट पे जाएंगे। एड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कॉपी बैकग्राउंड। तो आप लोग के यहाँ पे ऊपर के साइड में दिख रहा होगा कॉपी बैकग्राउंड। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद हम लोग दोबारा से जाएंगे ऐड इफेक्ट में। और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना होगा गॉसियन ब्लर। और गॉसियन ब्लर सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को इसको भी ओपन कर दीजिए। और ओपन करने के बाद इसका जो गॉसियन ब्लर है इसको हम लोग रख देंगे 255। रखने के बाद आप लोग दोबारा से जाइएगा ऐड इफेक्ट पे। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना होगा सिंपली एक्सपोजर एंड गामा। एक्सपोजर एंड गामा को सर्च करने के बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ओपन कर दीजिए। और ओपन करने के बाद इसका जो एक्सपोजर है उसको आप लोग 1% कर दीजिए, -1%। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा डिफरेंस। डिफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबट्रैक कर देंगे, और सबट्रैक जैसे ही कर देते हैं उसके बाद हम लोग बैक जाएंगे। और बैक जाने के बाद यहाँ पे आप लोग दोबारा से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी हम लोग फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे कलर एंड फिल में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके यहाँ पे जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को विविड लाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना होगा। और विविड लाइट कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोग के यहाँ पर बैक जाना होगा। और बैक जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से दोबारा से एक रेड एंगल सिलेक्ट कर लेना होगा। तो रेड एंगल ऐड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाना होगा इफेक्ट में, और इसको आप लोग को सर्च करना होगा यहाँ पे कॉपी बैकग्राउंड। और कॉपी बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाना होगा ऐड इफेक्ट में, और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले सिलेक्ट करने के बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कलर वन दिख रहा होगा, इसको आप लोग को कर लेना होगा वाइट कलर। व्हाइट कलर करने के बाद कलर टू को आप लोग को करना होगा ब्लैक कलर। तो इसको मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे के साइड में आएंगे, और नीचे के साइड में आने के बाद इसको आप लोग लाइनर पर रहने दीजिए, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको आप लोग को रख देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई रखने के बाद हम लोग ऐड इफेक्ट में जाएंगे, और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एक्सपोजर एंड गामा। एक्सपोजर एंड गामा सर्च करने के बाद इसका जो एक्सपोजर है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे, मतलब 140 रख देंगे। 140 रख देंगे, आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख देना, मैं मेरा वीडियो के हिसाब से मैं रख रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को फिर से सर्च कर लेना होगा शार्पन। तो शार्पन में सर्च कर लिया हूँ। सर्च करने के बाद आपको इसको स्टैंडर्ड सेटिंग भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो स्ट्रेंथ है उसको आप लोग को रख देना है 0.15% आप लोग को रख देना है।
और इसका रेडियस को ऐसे रहने देना है। और उसके बाद आप लोग को दोबारा से जाना होगा एड इफेक्ट में। एड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना होगा चैनल रीमैप RGB। तो इसको आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग में ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को चैनल रीमैपिंग इस टाइप का कुछ करना है RGGA, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग एड इफेक्ट में जाना होगा। एड इफेक्ट में जाने के बाद आप लोग को दोबारा से वही सर्च करना होगा चैनल रीमैप RGB। इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ओपन करने लाऊंगा। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इसका जो RGB है आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग पहले Y पे लगा देते हैं, सेकेंड नंबर जो Y है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ अभी इस टाइप का दिख रहा है। तो हम लोग दोबारा से जाएंगे एड इफेक्ट में। एड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सेचुरेशन एंड वाइब्रेशन को स्टैंडर्ड सेटिंग में ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद जिसका सेचुरेशन है उसको हम लोग रख देंगे -40। तो आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग रख लेना, मतलब अपने वीडियो के हिसाब से। और इसका वाइब्रेंस, इसका जो वाइब्रेंस है उसको हम लोग रख देंगे 120। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अभी बन के कम्प्लीट हो चुका है कलर ग्रेडिंग। तो आपको मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस इन तीनों लेयर को मैं सिलेक्ट करके एक साथ कर देता हूँ। तो मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके लास्ट तक कर दिया है। तो आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ एक सेकंड। तो मैं सबसे पहले इसको देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रीव्यू आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए और मेरे वीडियो से आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।